नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर 28 मई को 20 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी, यानी कि 35 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे सुरेंद्र जीवराजका जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। और दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो इसके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वे हैं होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स और पॉलिस्टर यार्न्स। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। और दोस्तों ये अपना जो 26% जो प्रोडक्ट्स है वो 90 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। कौन कौन से देश है मैं आपको बता देता हूँ। यूएस हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। यहाँ के बहुत सारे देशों में दोस्तों ये अपना 26% जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समय पहले दिवालिया घोषित हो चुका है और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के लिए फाइल किया हुआ था। तो दोस्तों उस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इसके जो शेयर्स हैं दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 40.01% की शेयर होल्डिंग, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने 34.99% की शेयर होल्डिंग के साथ, यानी कि दोनों मिलकर 75% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया है बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर। तो दोस्तों अब जो कंपनी के जो फैसले हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी, मुकेश अंबानी जी करेंगे, और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लेगी और वह आलोक इंडस्ट्रीज पर लागू होंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दोस्तों अभी बजट में भी भारत सरकार द्वारा, यानी कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। उन्होंने बोला है कि टेक्सटाइल्स कंपनी अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे जिससे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन को टक्कर दी जा सके। तो दोस्तों अब आलोक इंडस्ट्रीज अपना जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाएगी और इसके जो प्रोडक्ट हैं आलोक इंडस्ट्रीज के वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए जाएंगे जिससे कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और दोस्तों अब कंपनी की कमान जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है तो आने वाले समय में दोस्तों मुकेश अंबानी जी इस पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैसे लाए जाएं, कैसे कैसे बड़ी बड़ी डील्स की जाएं और आने वाले समय में नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं और नए नए प्लांट्स भी लेकर आए जा सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। तो आने वाला समय दोस्तों आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का काफी अच्छा रहने वाला। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज ने जो हाई लगाया है 96.90 रुपए का 2008 में, अभी काफी अच्छी वैल्यू पर मिल रहा है और यहाँ से बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। डिलीवरीज की बात की जाए तो 28 मई को 50.9% की डिलीवरी हुई है जो कि काफी अच्छी है। दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 3 से 4 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 3 से 4 सालों में यह स्टॉक 117 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।